माई डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माई चैनल एनआईओएस की पढ़ाई और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट कोड तीन सौ दो विषय इंग्लिश का पेपर आता कैसा है तो सबसे पहले सुनिए पेपर में क्या नहीं आता नंबर एक आपको पेपर में ऐसे अर्थात निबंध नहीं लिखना है निबंध कभी नहीं आता इंग्लिश के पेपर में नंबर दो कोई नोटिस नहीं आता एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आता और पोस्टर राइटिंग भी नहीं आती नोटिस एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर राइटिंग जैसा कुछ भी नहीं आता एनआईएस के पेपर में ऐसे बिल्कुल नहीं आता पोस्टर नहीं आता नोटिस नहीं आता एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं आता तो इसको आप बिल्कुल भी ना पढ़ के जाए अब बात करते हैं क्या क्या आपको रीड करके जाना है क्या क्या तैयार करके जाना है उससे पहले मैं आपको पेपर का एक ओवरव्यू देता हूं पेपर जो होता है आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है क्योंकि 20 मार्क्स तो आपके असाइनमेंट में चले जाते हैं 80 नंबर का जो पेपर होता है पास होने के लिए आपको थ्योरी में 26 अर्थात 26 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं जब तक थ्योरी में आपके 26 मार्क्स नहीं होंगे जब तक आप पास नहीं माने जाएंगे तो थ्योरी में आपको 80 में से 26 नंबर लेके आने हैं बाकी के मार्क्स आपके असाइनमेंट में से जुड़ जाएंगे तो मिनिमम 33 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पेपर को पास करने के लिए पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो है ट्वेंटी इंग्लिश के पेपर में इक्कीस क्वेश्चन आते हैं और पेपर को डिवाइड किया जाता है दो सेक्शन में सेक्शन ए और सेक्शन बी एक नंबर से लेके सोलह नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे आपके सेक्शन ए में सेक्शन बी में आपको दो मॉड्यूल दिए होते हैं आपको दो मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल चुनना होता है तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा ईएसपी फॉर द रिसेप्शनिस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए यह मॉड्यूल काफी आसान होता है इस मॉड्यूल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं वट आर द ड्यूटी ऑफ रिसेप्शनिस्ट वट आर द आइटम्स दैट रिक्वायर्ड ऑन रिसेप्शन डेस्क वट आर द क्वालिटी ऑफ गुड रिसेप्शनिस्ट वट स्टेप शुड बी टेकन बाय द रिसेप्शनिस्ट वाइल टेकिंग अ कॉल फ्रेम द क्वेश्चन रजिस्टर ऑफ कॉलर इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी सी फॉर्म मैसेज फॉर्म इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं सेक्शन बी के ऑप्शन वन में जिसका नाम है ई एस पी फॉर द रिसेप्शनिस्ट माई डियर स्टूडेंट सेक्शन ए में एक से लेके जो सोलह के क्वेश्चन होते हैं अब चलते हैं उनकी तरफ देखिए क्या क्या आता है क्वेश्चन नंबर एक आपका होगा अनसीन पैसेज किताब का कोई चैप्टर होगा उसमें से कोई पैराग्राफ लिया गया होगा और उसमें से आएंगे अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर दो किताब के अर्थात बुक के क्वेश्चन आंसर होंगे और इसमें आपको थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स में आंसर देना होगा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री भी किताब के अंदर से ही होता है और इसमें आपको दो ऑप्शन दिए होंगे दो ऑप्शन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा हंड्रेड वर्ड्स में क्वेश्चन नंबर एक अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर दो किताब से क्वेश्चन नंबर तीन भी किताब के ही क्वेश्चन आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर चार अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर पांच अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर छ ये भी अनसीन पैसेज होता है फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्सथ आपके होते हैं अनसीन पैसेज इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह होते हैं देखिए प्रेपोजिशन आते हैं आपके ये भी एक क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन ए में मिल जाएगा कनेक्टिंग द सेंटेंस अर्थात रीराइट द सेंटेंस जिसमें दो सेंटेंस दिए होंगे और उन्हें जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होगा ये भी आपका सेक्शन ए में ही मिलेगा पैसिव फॉर्म्स ये भी आपका सेक्शन ए में मिलेगा फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स ये भी आपका सेक्शन ए में मिलेगा फाइंड आउट द एरर्स ये भी आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा वो सेक्शन ए का फाइंड द एरर एरर अर्थात स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक ये होगा क्वेश्चन नंबर 16 एक लेटर भी आता है लेटर भी मिलेगा आपको सेक्शन ए में और आपकी नोट नोटमेकिंग नोटमेकिंग हंड्रेड परसेंट आती है यह भी आपको मिलेगी सेक्शन ए में समरी आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उसमें से आपको समरी लिखनी होगी यह भी 100 परसेंट आता है और यह आता है सेक्शन ए में तो सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एक बार फिर छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर टू बुक के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री बुक के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर फोर अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर फाइव अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर सिक्स अनसीन पैसेज इतने अनसीन पैसेज आते हैं कि आप अनसीन पैसेज को ही अच्छी तरीके से करके आ जाओगे तब भी आपके ट्वेंटी सिक्स मार्क्स तो वहां से आ जाएंगे उसके बाद पैसे फॉर्म्स प्रपोजिशन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स लेटर लेटर में आता है फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर आता है आपका सेक्शन ए में मेकिंग आती है हंड्रेड परसेंट समरी आती है हंड्रेड परसेंट फाइंड द एरर्स स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक ये क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन ए में हंड्रेड परसेंट आता है समरी भी हंड्रेड परसेंट आएगी फॉर्मल लेटर राइटिंग भी हंड्रेड परसेंट आएगा और फाइंड द एरर्स स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक ये भी आपका सेक्शन ए में ही आएगा ये थे सेक्शन ए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ एक क्वेश्चन और रीराइट द सेंटेंस रीराइट द सेंटेंस अर्थात दो सेंटेंस आपको दे रखे होंगे और दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस और बनाना है जिसे हम बोलते हैं कंबाइनिंग द सेंटेंस ये भी क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में ही मिलता है मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे राइटिंग बिल्कुल नहीं आती है एडवर्टाइज राइटिंग बिल्कुल नहीं आती है पोस्टर मेकिंग बिल्कुल नहीं आता है नोटिस लिखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती काफ़ी इजी पेपर आता है आपका एक क्वेश्चन और आता है आपका सेक्शन ए में दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वाला डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन भी आता है आपका सेक्शन ए में माय डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं गुरु मंत्र की अगर मुझे इंग्लिश का पेपर देना होता तो सबसे पहले मैं शुरू करता अनसीन पैसेज सारी की सारी अनसीन पैसेज करता जो होती हैं थर्टी मार्क्स की काफी इजिली मैं ट्वेंटी मार्क्स स्कोर कर पाता लेटर पूरी तरह से तैयार करके जाता पांच नंबर का लेटर आता है नोट मेकिंग तैयार करके जाता हंड्रेड परसेंट आती है समरी करना बहुत ही आसान होता है अगर मैं पेपर कर रहा होता तो समरी जो काफी ईजी होती है समरी यानी कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ता और उसमें से जो जो मेन मेन बातें हैं उन्हें लिख कर आ जाता ये भी काफी ईजी होता है पैसिव फॉर्म्स पैसिव फॉर्म्स में अधिकतर हम थर्ड फॉर्म का यूज करते ये भी काफी इजी है अगर मुझे बुक के क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने होते मैं छोड़ देता कोई दिक्कत नहीं होती मुझे क्योंकि ग्रामर का पोर्शन ही इतना आ रहा है कि उसको करने के बाद मुझे बुक को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए सेक्शन ए बहुत आसानी से मैं सॉल्व करके आ सकता था माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था एक से लेकर सोलह तक के क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में मिलते हैं सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होते हैं सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस पांच क्वेश्चन आपको कहां से उठाने हैं सेक्शन बी से और उसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ रिसेप्शनिस्ट व्हाट आर द आइटम्स रिसेप्शनिस्ट शुड कीप हैंडी ऑन द रिसेप्शन डेस्क यानी कि कौन कौन से आइटम रिसेप्शनिस्ट को रिसेप्शन डेस्क पर रखने चाहिए रजिस्टर ऑफ कॉलर सी फॉर्म मैसेज फॉर्म टेलीफोन लैपटॉप मोबाइल स्टेशनरी इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी रिजर्वेशन वाउचर इस तरह के आइटम किसी भी रिसेप्शनिस्ट को अपने रिसेप्शन डेस्क पे रखने चाहिए सेक्शन बी में एक और क्वेश्चन होता है व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड रिसेप्शनिस्ट नंबर वन गुड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वे ऑफ टॉकिंग वे ऑफ बिहेविंग गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्ट स्पोकन वेल ड्रेस्ड वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड पर्सन शुड बी रिसेप्शनिस्ट माई डेयर स्टूडेंट सेक्शन बी में एक क्वेश्चन और आ जाता है सी फॉर्म क्या होता है देखिए सी फॉर्म जब भी कोई फॉरनर इंडिया में आता है उसको किसी भी होटल में रहना होता है तो एक फॉर्म फिलअप कराया जाता है जिसे बोलते हैं सी फॉर्म इस फॉर्म में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है उस टूरिस्ट के बारे में जैसे उसका नाम क्या है फादर नेम क्या है मदर नेम क्या है एड्रेस क्या है नेशनैलिटी कहाँ की है पासपोर्ट नंबर क्या है वीज़ा नंबर क्या है इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन होती है सी फॉर्म में तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है सेक्शन बी में सेक्शन बी के कुछ और क्वेश्चन रजिस्टर ऑफ कॉलर रजिस्टर ऑफ कॉलर को हम विजिटर रजिस्टर भी कह सकते हैं जब भी कोई इंसान जब भी कोई विजिटर किसी ऑफिस में जाता है तो वहां पे उसे एक एंट्री रजिस्टर में एंट्री करनी होती है जिसको बोलते हैं हम रजिस्टर ऑफ कॉलर जिसमें होता है सीरियल नंबर नेम एड्रेस इन आउट एंड परपज़ साइन एंड मोबाइल नंबर इस तरह के ऑप्शन होते हैं हमारे रजिस्टर ऑफ कॉलर में माय डियर स्टूडेंट इस तरह सेक्शन बी के ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस तो मैंने अब आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दिया है अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेन मेन चैप्टर हैं उनकी समरी शॉर्ट समरी जिससे काफी शॉर्ट में आप ये सारी की सारी सबरी समझ जाएंगे आपको इंग्लिश की बुक को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब मैं फटाफट फटाफट एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं क्या आता है क्या नहीं आता गौर से सुन लीजिएगा सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के पेपर में सब्जेक्ट कोड तीन सौ दो क्लास ट्वेल्थ टोटल क्वेश्चन आएंगे ट्वेंटी वन पेपर को डिवाइड किया जाएगा दो सेक्शन में सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे एक से लेके सोलह तक वन टू सिक्सटीन जो क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में होंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन होंगे आपके सेक्शन बी में अब बात करते हैं कि क्या क्या नहीं पूछा जाता ये टॉपिक बिल्कुल भी तैयार करके मत जाना आप तैयार करके मत जाना नंबर एक पोस्टर एडवर्टाइजमेंट नोटिस और ऐसे इंग्लिश में कभी भी ऐसे राइटिंग नहीं आती पैराग्राफ राइटिंग आती है ऐसे राइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती और अब आपको क्या क्या तैयार करके जाना है जो हंड्रेड परसेंट आएगा लेटर हंड्रेड परसेंट आएगा नोट मेकिंग परसेंट आएगी समरी हंड्रेड परसेंट आएगी पैराग्राफ राइटिंग 100 परसेंट आएगा रीराइट द सेंटेंस हंड्रेड परसेंट आएगा पैसे फॉर्म हंड्रेड परसेंट आएंगी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हंड्रेड परसेंट आएंगी पांच अनसीन पैसेज हंड्रेड परसेंट आएंगे और बुक के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री में सेक्शन बी की बात करते हैं तो ड्यूटीज ऑफ रिसेप्शनिस्ट आइटम रिक्वायर्ड एट रिसेप्शन डेस्क क्वालिटी ऑफ गुड रिसेप्शनिस्ट सी फॉर्म रजिस्टर ऑफ कॉलर मैसेज फॉर्म इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी और अर्ली मॉर्निंग कॉल सीट मैसेज फॉर्म इस तरह के क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे जाते हैं इस वीडियो में बहुत ही कम समय में मैंने आपको सारा का सारा सिलेबस कवरअप करके दिया है क्या नहीं करके जाना है और क्या करके जाना है उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंग्लिश के चैप्टर की समरी अगली वीडियो में आएगी अगर आपको यह पसंद आया हो यह समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद जय श्री राम थैंक यू